नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान भाइयों। खरपतवार हमारे खेती में लगभग, अगर उसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो लगभग 60-70% उत्पादन को डाउन कर देता है। दोस्तों, खरपतवार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार इतने भयंकर होते हैं, जैसे कि ये समझ लीजिए किसी आदमी में कैंसर की बीमारी, उसी तरह एक खरपतवार खेती के लिए कैंसर लगातार साबित होता जा रहा है और इसका जो दायरा है वो लगातार व्यापक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जो एक खरपतवार है, सबसे खतरनाक खरपतवार है, मोथा खरपतवार। वो क्यों होता है? आप लोगों ने आज तक कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ये नहीं बताया होगा कि ये खरपतवार खेतों में क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसको किस तरह कंट्रोल करें। एक तो बगैर पैसे के किस तरह इसको कंट्रोल करें, और एक फिर इसको अपन केमिकल से किस तरह कंट्रोल करें। और जो ये हमारी जानकारी है, ये हमारी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर जानकारी होगी और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड जानकारी आज के इस वीडियो में होगी। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी बातें पहुंच सके और वो खेती में अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें और वो भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। तो मित्रों, आज जो बात होगी वो मोथा जो खरपतवार होता है, और इस खरपतवार से हमारे देश में अधिकतर किसान परेशान हैं, और परेशान भी ऐसे हैं कि इसको ना तो हाथों से निकाला जा सकता है, ना खुरपी से निकाला जा सकता है। इसको निकाला जा सकता है सिर्फ दो तरीकों से, या तो आप केमिकल यूज़ कीजिए, या फिर दूसरा एक तरीका है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, उसका सही समय है। अभी दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और अधिकतर जगह अब खेत खाली होते चले जाएंगे, तो मैं आज आप लोगों को एक वो तरीका बताऊँगा जो बगैर किसी केमिकल के आप इसको 100% ख़त्म कर सकते हो अपने खेतों में। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आप सबसे पहले किसी भी विषय को लेते हो तो आप नीचे से चलो, किसानों को एक नीचे लेवल से उनको समझाओ, तभी उनके दिमाग में सही अच्छे से बैठेगी। अगर मैं इसी वक्त सीधे आप लोगों को कोई भी दवा बता दूं तो आप वो काम कर जाओगे, वो दवाएं काफ़ी नुकसानदायक भी साबित होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये उन खेतों में सबसे ज़्यादा होता है जिन खेतों में गर्मियों के दिनों में सिंचाई ज़्यादा की जाती है। गर्मियों के दिनों में जहां ज़्यादा सिंचाई होगी, या लगातार साल के 12 महीने खेतों में लगातार नमी बनी रहेगी, उन खेतों में ये जो खरपतवार है, मोथा खरपतवार है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। एक बार इसका अगर एक पौधा आपके खेत में आ जाए तो ये जो अपनी प्रजाति, जो अपने परिवार है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मोथा का एक पौधा है, अभी ये एक उस जो नीचे जो बीज था, जो इसकी गांठ थी, उसमें से एक पौधा निकला था, लेकिन अभी इसने क्या कर दिया है कि एक से दो और दो से तीन, और इसी तरह ये अपनी परिवार को बढ़ाता चला जाता है। फिर दोस्तों किसान करता क्या है, खेती जब हमारी खड़ी होती है उस वक्त अपन कोई केमिकल यूज कर नहीं सकते, क्योंकि इस पे सिर्फ एक केमिकल काम करता है, बाकी जो केमिकल होते हैं, जो हर्बिसाइड्स होते हैं, वो इस पे काम नहीं करता है। अगर वो काम भी करेगा तो ऊपर से इनके पत्तियों को जड़ा देगा बस, बाकी जो नीचे जो इसके स्ट्रक्चर है, इनकी जड़ें हैं, जो इसकी गांठ है, वो वैसी की वैसी रहेगी और कुछ दिनों बाद दोबारा से उसमें नया कल्ला निकल आएगा, नई फुटान निकल आएगी। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप गर्मी के दिनों में जिस खेत में ये समस्या ज़्यादा है, आप गर्मियों के दिनों में उस खेत को बहुत अच्छे से उसकी जुताई कीजिए, और जुताई आप या तो तोता हल आता है या फिर पलाव आता है, जिससे मिट्टी उलट पुलट होती है, उससे आप इसकी अच्छे से जुताई कर दीजिए, ओंडी जुताई कर दीजिए, गहरी जुताई कर दीजिए। जब वो गहरी जुताई हो जाएगी तो जितने भी इनके जो बीज हैं नीचे ज़मीन में, वो ऊपर आ जाएंगे, और जब मई और जून में जब लगातार गर्म दिन होंगे, जब लगातार लू चलेगी, तो जो बीज है वो सूख जाएंगे। ये मैंने खुद ने अपने खेतों में करके देखा है, ये कामयाब एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब हमें क्या करना है, जिस अवस्था में खेतों में ज़्यादा नमी हो, हम खेत को जोत ना सकें, हमारे खेतों में फसल हो उस टाइम पे गर्मियों के दिनों में, तो फिर इसको हम कैसे ख़त्म कर सकें? तो दोस्तों इसके लिए बाज़ार में एक टेक्निकल आता है जिसका नाम है मेरा 71, जिसमें ग्लाइसोफेट 71% एसजी फॉर्म में आता है। ये इसको ख़त्म करने में सबसे
बढ़िया काम करता है ये जो हर्बिसाइड आता है, ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है और सावधानियों के साथ साथ अपने खेतों में, पहले बात करते हैं इसकी कौन सी सावधानी बरतनी है। तो जब खेतों में कोई भी फसल खड़ी हो उस वक्त आप इसका स्प्रे मत कीजिए, अन्यथा आपकी फसल भी ख़त्म होगी और ये भी ख़त्म होगा। तो इसको जब स्प्रे करना है, जब हमारे खेतों से अपन फसल को निकाल लें। फसल निकालने के बाद दोस्तों एक बार फिर से आप खेतों में पानी छोड़िए, खेत को एकदम गीला कीजिए। गीला करने के बाद जैसे आज अपन उसमें पानी छोड़ा है, तो उसके दो या तीन दिन बाद जब बढ़िया नमी हो खेत में, उस वक्त आप मेरा 7100 ग्राम पर पंप के हिसाब से, 15 लीटर या 16 लीटर के जो पंप आते हैं उसके हिसाब से, और साथ में आप 100 से 200 ग्राम यूरिया मिलाइए, और साथ में कोई भी एक्टिवेटर हो या फिर चिपको वो मिला लीजिए। इनको मिलाने के बाद आप इसमें स्प्रे कीजिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 से 12 दिन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत होगी इनके पत्तियों से, पत्ते इनके पीले पड़ेंगे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वो जलते चले जाएंगे, और जो दवा है वो सिस्टेमिक, ये जो हर्बिसाइड है वो सिस्टेमिक काम करता है। इनके पत्तियों पर जाने के बाद वो धीरे 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 नीचे चलता है और इनकी जड़ों तक उसका असर है वो पहुँच जाता है। तो पहले ऊपर से पीले होने के बाद वो सूखता सूखता आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे तक सूख जाएगा। और दोस्तों 1 महीने तक आप उसमें कोई फसल मत लगाइए, उस खेत को यूं ही खाली छोड़ दीजिए। 1 महीने में आपका जो ये मोथा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। 100 ग्राम पर पंप के हिसाब से, साथ में 100 से 200 ग्राम यूरिया, या उससे पहले आप अपने खेतों में अच्छी गहरी जुताई कीजिए, खेत की मिट्टी को पलट दीजिए, और फिर जब लू चलेगी तो आपके जितने भी इसके जो गांठे हैं, इसके जो बीज है वो सब सूख जाएगा। तो दोस्तों ये काम अपने खेतों में आप कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपके खेतों से ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। जानकारी हमारी अच्छी लगे, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।